छापा पड़ने से लालू यादव डरा जाएगा। कितना छापा पड़ ले या कितना गया, लालू यादव कोई गजरा मूली है जो उखाड़ के फेंक देगा। और माननीय गरीबों के नेता जो गरीब के बच्चे को नहा करके स्कूल भेजना सिखाया, उनके बेटा पे और उन पे छापा लगातार, ये कैसा न्याय है? लगातार जेल हो रही है, लगातार छापा पड़ रहा है अलग अलग मामलों में, ऐसा क्यों? तो समय आएगा और जनता देख रही है। जनता ने तो हमको जनमत देने का काम किया था, लेकिन चोर दरवाजे से लोग सरकार बनाए, तो आने वाला समय में हमें जनता पे विश्वास है और हमें माननीय न्यायालय पे विश्वास है, आगे जो करेंगे कोर्ट का सम्मान कर देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना, हमारे साथ बात करने के लिए हैं छोटे लालू के नाम से जाने जाने वाले। और क्या लगता है जिस तरह से सीबीआई की आज रेड पड़ रही है, क्या कहेंगे? लगना क्या है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग का एक योजना के तहत यहाँ छापा पड़ता है, और जिसको छापा पड़ना चाहिए, जहाँ छापा पड़ना चाहिए वहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, जिसको पकड़ के लाना चाहिए उसको पकड़ नहीं रहे हैं, उसको वीजा पासपोर्ट दे करके भगा रहे हैं, लंदन और पेरिस घुमा रहे हैं। और माननीय गरीबों के नेता जो गरीब के बच्चे को नहा करके स्कूल भेजना सिखाया, उनके बेटा पे और उन पे छापा लगातार, ये कैसा न्याय है? लगातार जेल हो रही है, लगातार छापा पड़ रहा है अलग अलग मामलों में, ऐसा क्यों? तो समय आएगा और जनता देख रही है। जनता ने तो हमको जनमत देने का काम किया था, लेकिन चोर दरवाजे से लोग सरकार बनाए, तो आने वाला समय में हमें जनता पे विश्वास है और हमें माननीय न्यायालय पे विश्वास है, आगे जो करेंगे कोर्ट का सम्मान करते हैं। छापा पड़ने से लालू यादव डरा जाएगा, कितना छापा पड़ ले या कितना गया, लालू यादव कोई गजरा मूली है जो उखाड़ के फेंक देगा। कहा यह जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री साथ आए, यही कारण है कि बीजेपी जो है इस तरीके की एक ही है। जातीय जनगणना, देखिए जातीय जनगणना अलग मसला है, लेकिन इस पे सारे विपक्ष जो हैं एकजुट हैं और माननीय मुख्य साथ होने के कारण ही इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मेन है महंगाई। महंगाई से कैसे पर्दा हटाया जाए, पब्लिक का जो नजर है महंगाई पे कैसे डाइवर्ट किया जाए। छापा की लालू यादव के यहाँ छापा पड़ गया, फिर क्या हो गया भाई? तो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी लोगों को रोजगार जो बोले थे 19 लाख, वो देना भाई, बेरोजगारी चल रहा है वो करो ना। आपको क्या कहते हैं कि अभी महंगाई पर बोलो ना, तो इस पर नहीं केवल छापा, सीबीआई तो एजेंट है आरएसएस का, करे गिरफ्तार हम लोग को, हम लोग जाने के लिए जेल तैयार हैं। आप लोग जेल जाने के लिए बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं उतने, इतना अथी है वहाँ, देखिए सामने देखिए कि हमारे बैठे हुए हैं हमारे नेता, हमारे बड़े भाई लोग, सब लोग, इतना 38 डिग्री सेल्सियस है अभी, उसके बाद भी बैठे हुए हैं, देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ। बीजेपी कह रही है कि सीबीआई पे संदेह नहीं करनी चाहिए। सीबीआई तोता है आरएसएस के, अब भाजपा के पोता है, तो कोकर अति हम लोग नहीं जानते। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे छोटे लालू, जिनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई और उनके पोता है, यानी कि आरोप लगा रहे हैं राजद कार्यकर्ता होने के नाते, जिनका साफ तौर से कहना है कि लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है, इससे लालू प्रसाद यादव को कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं, और अब बीजेपी को सबक लेनी चाहिए कि देश में कई ऐसे घोटाले हुए हैं, उस पर आखिर क्यों पर्दा बीजेपी डाल रही है। इस पर बस इतना ही, बने रही है न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।